हेलो एवरीवन, मैं विकास मैला आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएम एकेडमी 2.0 पे। तो आज के वीडियो में हम डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे, यानी डीआरडीओ के अंदर एक जॉब के लिए नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। डीआरडीओ एंट्री टेस्ट CPTM 10 का यहाँ नोटिफिकेशन है। डीआरडीओ का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक डिफेंस से रिलेटेड जो आपके उनमें डेवलपमेंट करना होता है या कोई वहां कोई रिसर्च करना होता है या उनके वेपन्स में कोई टेक्नोलॉजी से उनसे ऐड करनी होती है या उनके जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनमें अगर आपको कुछ डेवलप करना है तो वो यहाँ पे थोड़ा वर्क होता है। उसके लिए दो पोस्ट है, एक पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, बी की पोस्ट है जिसकी लगभग 1075 वैकेंसी है, और टेक्निकल ए की पोस्ट है जिसके लिए आपको 826 पोस्ट यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा पे स्केल के बारे में बताया कि इसका पे स्केल क्या रहेगा, लेवल 6 रहेगा ये पे स्केल है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन मेन है जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जिनका बैचलर डिग्री है इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए, इनके सब की हम बात करेंगे। ठीक है, इसका एज आपके पास गिवन है, एज आपका 18 से 28 होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC या PWD के लिए वो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ दो टाइप के टेस्ट होंगे, एक होगा Tier 1 जो CBD टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका, दूसरा आपका Tier 2 है जो आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा। सेम इसमें भी ऐसा ही पे स्केल गिवन है, इसका पे स्केल थोड़ा अलग है। ये आपके पास जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास ITI होती है जो आपके पास वो होनी चाहिए। ठीक है, या IIT का इक्विवेलेंट जो भी आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे नीचे गिवन है उसके बारे में। एज इसकी भी 18 से 28 के बीच होनी चाहिए, रिलैक्सेशन आपको गिवन है। सेम इसके भी दो टेस्ट होंगे, Tier 1 होगा ये सिलेक्शन टेस्ट होगा, और Tier 2 होगा जो आपकी ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा, यानी जो भी आपकी ट्रेड रहेगी, जैसे IIT के अंदर ट्रेड होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है, या मैकेनिकल हो गया, उनका जो भी अलग अलग टाइप्स की ट्रेड होती है उसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसका और डिटेल में हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कब से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे और कब इसका लास्ट डेट रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हो इसका ओपनिंग जो डेट रहेगा, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपका 3rd सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी क्लोजिंग डेट, यानी इसकी जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो रहेगी 23rd सितंबर, यानी लगभग आपको 20 दिन का दिन दिया जाएगा, 20 दिन का टाइम दिया जाएगा यहाँ पे आपको। इसकी जो Tier 1 की जो डेट है वो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं की है, तो वो जल्दी ही अनाउंस कर देंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट अगर मान के चले तो लगभग 2 महीने आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ज्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 महीने मान के चलो कि इतने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपका Tier 1 होगा, उसके बाद आपका Tier 2 होगा। थोड़ा सा इसका डिटेल और देखते हैं कि क्या क्या होगा, कौन सा आपके पास यहाँ से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है। पे स्केल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एज की हम बात कर चुके हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो अलग अलग हमारे पास यहाँ से गिवन है, अगर आपका एग्रीकल्चर है यानी उसमें अगर BSc आपके पास है तो उनकी वैकेंसीज यहाँ पे गिवन है, थोड़ा सा ये देख लेना। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसीज गिवन है, इनमें डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा होता है और एक BTech होता है। ठीक है, तो दो टाइप के हैं, डिप्लोमा अगर आपके पास है तो ये आपके पास ऑटोमोबाइल के अंदर वैकेंसीज है। अगर आप बॉटनी से हो और आपका BSc है, ठीक है, BSc इन बॉटनी है, अब कईयों का BSc ऑनर्स होता है बॉटनी में, कईयों का जैसे पास कोर्स होता है तो उनके पास जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, केमिस्ट्री होता है, तो वो भी यहाँ एलिजिबल है, उनके लिए वैकेंसीज आपके पास थोड़ी कम है। SC की 1 है और जनरल की आपके पास 2 वैकेंसी, टोटल 3 वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा केमिस्ट्री का अगर हम देखें तो उनके पास BSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए या केमिकल साइंसेज हो सकता है। ठीक है, या फिर जैसे देखो PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री पास कोर्स वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है उनके पास, तो वो भी एलिजिबल है, और या बायो वाले हैं जो जैसे उनके पास बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री है तो वो भी एलिजिबल है, या फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है तो भी एलिजिबल हो, आप सारे एलिजिबल हो। यहाँ वैकेंसी ठीक है, 58 वैकेंसी है, 10 SC की है, 3 ST की है, और 12 आपके पास OBC की है, और EWS की 10 है, और जनरल की आपके पास 23 है, तो वैकेंसी ठीक है यहाँ पे। देखो इसके अलावा यहाँ पोस्ट स्टेशन भी गिवन है, इसके बारे में बता दूंगा, जैसे H1, L1, T1 इनका मीनिंग क्या, इनका भी आपको यहाँ पे गिवन है कि ये स्टेशन है, अलग अलग स्टेशन पे आपके पास वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियर हो गया, इसके बाद कंप्यूटर साइंस हो गया, इनका थोड़ा देख लेना, मैं जो BSc वाला है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां से आ जाओ मैथमेटिक्स के बारे में देखूं। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आपका BSc है, BSc डिग्री इन मैथमेटिक्स फॉर
जो भी आपके पास इंस्टीट्यूट है, या पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास है तो भी है, ठीक है। यहाँ से वैकेंसी थोड़ी सी ठीक ठाक है, उतनी ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इसमें इतनी वैकेंसी आती है। ये आपके पास एसटी की होगी, ये आपके पास ओबीसी की है, ओबीसी की 3 सीट है, ये आपके पास ईडब्ल्यूएस की है, और ये जनरल की आपके पास, टोटल तो आपके पास 13 सीट है यहाँ से अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो। इसके बाद अगर मैं देखूं बीएससी के लिए, ये और जो इनके लिए आपके पास ये फोटोग्राफी इन बीएससी वाला है, तो ये जनरली बच्चे इतने नहीं होते इनके, तो ये देख लेना थोड़ा सा। फिजिक्स का अगर मैं देखूं तो फिजिक्स में सेम वही आपके पास बीएससी होना चाहिए, या पीसीएम या पीसीबी वाले हैं वो भी आपके पास यहाँ से एलिजिबल है। तो एससी एसटी ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और जनरल के लिए 15, टोटल 32 सीट है। इसके अलावा अगर मैं देखूं जूलॉजी के लिए, ठीक है, जूलॉजी आपके पास अगर बीएससी जूलॉजी में है या जेड बीसी में, यानी जूलॉजी बॉटनी या केमिस्ट्री में, तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ टोटल 9 सीट है, ये आपके पास जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, ये एससी एसटी है, ठीक है, तो इनके टोटल सीट है। ये टोटल आपकी सीट मिला के 1,075 जो सीट थी वो अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद टेक्निकल जो ए है उसका मैंने यहाँ बताया था कि आपके पास आईआईटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी है, तो ये थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर जाता हूँ, अगर कोई आईआईटी वाला इसको देख रहा, आईटीआई, ठीक है, आईआईटी नहीं, आईआईटी नहीं, ध्यान रखना, आईटीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके होता है, ठीक है, उसका प्रोग्राम होना चाहिए आईटीआई, यहाँ पे गिवन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आईआईटी और आईटीआई में डिफरेंस देख लेना, तो उनका अलग अलग वैकेंसीज गिवन है। इसको मैं थोड़ा स्क्रोल कर देता हूँ, आप आराम से इसको देख लेना, ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब देखो जो आपके पास स्टेशन वाले जो कोड थे, जैसे लिखा है ना B1, ये A1, तो ये यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, आपका जो वैकेंसीज है उसके आगे क्या क्या आगे कौन कौन से स्टेशन लिखे हुए हैं उनका ये डिटेल गिवन है, कि A1 का मतलब क्या है, A2 का मतलब क्या है, A3 का मतलब क्या है, तो वो यहाँ आके देख सकते हो, कोड जो आपके पास है वो आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास इसका सर्विस कंडीशंस इनके बारे में गिवन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में गिवन है, आपका इंडियन होना चाहिए, जो भी ये चीजें, थोड़ा सा इनको जरूर पढ़ लेना, इनके बारे में नहीं बता रहा मैं, ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में, तो ये आप, ये नोटिफिकेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये रिजर्वेशन के बारे में गिवन है, ठीक है, ये कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कि आपके पास आईडीज होनी चाहिए उनके बारे में गिवन है, फॉर्म सबमिशन के बारे में, एप्लीकेशन फी के बारे में गिवन है, तो एप्लीकेशन फी का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो ये एप्लीकेशन फी आपके पास 100 रुपए, तो बहुत ज्यादा फी भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फी है, अगर आपने एक बार पे कर दिया तो आपको वापस नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपके पास है। एज रिलेक्शन से आपको गिवन है कि किसको कितना रिलेक्सेशन मिलेगा, ओबीसी एससी एसटी जो भी है, ठीक है, उनको कितना यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके जो टायर 1 का जो सेंटर्स है, ठीक है, तो टोटल 39 सेंटर है। अब आप देख सकते हो कि आपके स्टेट में कौन सा सेंटर है या कौन सा सेंटर आपके सबसे नजदीक है, तो वो देख सकते हो, टोटल यहाँ से 39 सेंटर्स गिवन है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में आपके पास एक जोधपुर है और एक जयपुर है, ठीक है, जोधपुर और जयपुर के अलावा, हाँ यही राजस्थान के 2 सेंटर है। हरियाणा में एक ही सेंटर नहीं है, क्योंकि हरियाणा वाले साले जो सारे के सारे हैं वो दिल्ली एनसीआर के अंदर, उधर आपको सेंटर मिल जाता है उन सभी को, बाकी आप देख सकते हो अपने आसपास का सेंटर यहाँ से, इसको इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। चलो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, जो टायर 1 है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल देखते हैं, ठीक है, टायर 1 के बारे में एग्जाम का आपका पैटर्न क्या होगा। देखो यहाँ से थोड़ा सा ये देखो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड, ये आपके पास अभी आया नहीं, अनाउंसमेंट जैसे हो जाएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा, इसके अलावा आप इसकी साइट भी विजिट कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, देर विल नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ये ध्यान रखना, द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी, तो ये पोस्ट के लिए इनका जो सिलेबस है वो अवेलेबल रहेगा, मीडियम दोनों है इसके, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो ये ध्यान रखना हिंदी इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। अब देखो सीबीटी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके बारे में देखते हैं, जो स्टेशन जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात है उसके बारे में, ठीक है, तो ऑल कॉम टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्टेड, जो भी आपके पास पोस्ट है सबका कॉमन टेस्ट है, जो आपका सीबीटी टायर 1 है उसमें। इसके अंदर देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपके पास, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए और जनरल साइंस है। इसके 120 क्वेश्चन होंगे,
120 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन टेस्ट स्पेसिफाइड टू सब्जेक्ट टू पोस्ट कोड, जो भी आपकी पोस्ट कोड है उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे मैथ वालों का मैथ के, फिजिक्स वालों फिजिक्स, केमिस्ट्री वालों केमिस्ट्री। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट आपको मिलेंगे, यानी ऑप्शंस टाइप के होंगे, ए बी सी आपको इस टाइप से ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये आपको सेक्शन फोर, ये इस थोड़ा सा इसको भी जरूर रीड कर लेना आप एक बार, ठीक है, एक बार थोड़ा सा जरूर रीड कर लेना, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। जो आपके पास है ये सिलेक्शन प्रोसेस वाला, इसको जरूर रीड कर लेना, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इसको जरूर रीड कर लेना सारे के सारे बच्चे। अब एक यहां से देखो, ये थोड़ा सा ये देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट का इसके बारे में गिवन है कि आपके पास 40% होनी चाहिए, ठीक है, 40% आपके पास जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए, 35% एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनके, ये मिनिमम क्राइटेरिया आपके इतना होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सेम इसका आपको सेकंड वाला है, उसमें भी आपके पास 40% जनरल ओबीसी के लिए, 35% एससी एसटी के लिए होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास है टेक्निकल जो ए है उसकी पोस्ट है, जो आईटीआई वालों के लिए उनका, देखो यहाँ पे दो टाइप के गिवन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में होंगे, 80 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में होंगे, 120 क्वेश्चन मार्क्स के होंगे और 90 मिनट आपको मिलेगी। तो यहाँ भी आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश बेसिक, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो ट्रेड है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा, और ये भी ट्रेड टेस्ट होगा, जिसके अंदर ट्रेड टेस्ट में भी अबाउट 1 ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है, 1 to 2 आवर्स ड्यूरेशन। तो आपकी जो ट्रेड रहेगी उसके बारे में यहाँ पे रहेगा, वही प्रोसेस जो रहेगा वो 40% आपके पास होना चाहिए टायर वन में, तभी आप टायर टू में पहुंच पाएंगे, और टायर टू में अगर 40% है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए आप इलिजिबल रहेंगे, वरना नहीं, ठीक है। बाकी ये डिटेल और गिवन है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और ज्यादा चाहिए तो आप बता देना एक बार कमेंट करके, ठीक है। तो ये डिटेल थी आपके डीआरडीओ के बारे में, और आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें भाई, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ईच एंड एवरीवन।